दोस्तों इस वीडियो में मैं बदलापुर से लेकर करजत तक का पूरा लॉन्ग डिस्टेंस मैं कवर करूंगा। तो आपको बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा कि कहां कहां क्या क्या अवेलेबल है यहां पे घूमने के लिए जगह। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे जो राइट हैंड साइड में है वो है सायत्री पर्वत, वहाँ से शुरू हो जाती है। और ये जो जगह है, अब हम लोग वांगनी की तरफ बढ़ रहे हैं। वांगनी के बाद शेलू, शेलू के बाद नेरल, नेरल के बाद भीवपुरी, और इसके बाद आखिरी हम लोग पहुँचेंगे करजत।
अब हम लोग वांगनी पहुंच चुके हैं और वांगनी में इस जगह पे जो लेफ्ट साइड है वो रेलवे स्टेशन है, राइट साइड में जाओगे तो वहाँ भागीरथी वाटरफॉल आएगा और सीधा निकलोगे तो करजत आएगा। तो हम लोग सीधा की ओर जाएंगे। तो वांगनी में उल्लास नदी है घूमने के लिए और भागीरथी है वाटरफॉल, बारिश के सीज़न में ही चलता है और पूरे साल भर आप यहाँ नदी में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के फार्म हाउस भी हैं जो आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे नर्सरी भी है, इसका भी एंजॉयमेंट आप वांगनी में बहुत आसानी से ले सकते हैं।
नेरल जो पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट है। ये नेशनल लेवल का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माथेरन, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। माथेरन एक हिल स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और कुछ ही देर में माथेरन जाने के लिए एक रास्ता राइट साइड में जाएगा और दूसरी तरफ हम लोग निकल जाएंगे लेफ्ट साइड से, वो करजत होगा। तो ये घूमने का काफ़ी अच्छा जगह है। नेरल एक काफ़ी खूबसूरत जगह है जो नेचुरल ब्यूटीज भी है और यहाँ पे टाउन भी है, एक छोटा सा शहर जैसा भी है। तो ये जो शहर है काफ़ी इंजॉयबल हो सकता है ये जगह। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं पहाड़, वहाँ पे है माथेरन, और माथेरन के लिए रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप रोड से भी जा सकते हो, आप बाइक से भी जा सकते हो, आप अपने पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हो। काफ़ी खूबसूरत जगह है, एक बार लाइफ में ज़रूर जाइएगा।
भीवपुरी में घूमने के लिए यहाँ पे भीवपुरी का एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ पे बारिश के मौसम में ही काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो आप यहाँ पे। और ये जगह जो है स्पेशली कॉलेज लोगों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को ज़्यादा कॉलेज भीवपुरी में ही मिलती है। तो हम लोग जो हमारे जो लास्ट डेस्टिनेशन होगा वो है करजत। करजत में खासियत यही है कि यहाँ से आप सीधा निकल जाओगे तो आपको लोनावाला, खंडाला ये सब जगह घूमने के लिए अच्छा जगह है। और इसके अलावा आप राइट साइड में अगर निकलोगे जो कि नवी मुंबई साइड का रास्ता है, तो वहाँ पे इंडी स्टूडियो मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हो कपिल शर्मा शो होती है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी करजत के आसपास, बहुत सारे फार्म हाउस है, सलमान खान का भी फार्म हाउस वहीं पर है, और काफ़ी खूबसूरत जगह भी है करजत। और आप सीधा सीधा जाओगे तो ये रोड जो मैं जा रहा हूँ ये रोड से आप पूना भी पहुँच सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना।